मुद्दे में नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है या नहीं। एमएलसी एमएलए एमपी में 70% लोग का पैसा उसमें इन्वॉल्व है या नहीं। क्या सुशासन बाबू को इसकी जानकारी नहीं है कि शराब के पैसे में बंदे में किसका पैसा इन्वॉल्व? बहुत क्लियर। सीतामढ़ी में जो उसमें कई तरह की बात ये देखी गई, क्या लग रहा है अंतर कला था या माफिया से कुछ अधिकारी मिले हुए थे जो अभी? सर, मुजफ्फरपुर दरभंगा सीतामढ़ी मधुबनी ये तस्करों का अड्डा और 80% तस्करी में नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है। शराब का मकरजाल, शराब नासूर बन चुका है बिहार में। शराब की जड़ें इतनी नीचे जा चुकी है कि नीतीश कुमार जी के चाहने या ना चाहने से ना शराब का गलत धंधा बंद होगा ना अब शराब नीतीश कुमार की ऑफिस, क्योंकि शराब माफिया पदाधिकारी नेताओं का सबसे बड़ा सोर्स इकोनॉमी 8,000 से 13,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जो बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा घाटा है। एक दूसरी चीज, ये लगभग 8,000 से 13,000 करोड़ हम नेपाल को देते हैं, पंजाब को देते हैं, बंगाल को देते हैं, झारखंड को देते हैं, यूपी को देते हैं, मेरा राजस्व जाता है और मेरे ही पैसे से जिसके पास साइकिल नहीं था, जिसके पास छुटभैये थे, उसके घर में एसी लगे हुए हैं। आज छोटा छोटा अपराधी लच्चा लफंगर आज चैलेंजिंग हो गया है सोसाइटी के लिए। जो घटना सीतामढ़ी में घटी, छोटे लफुए टाइप के लोग गाँव घर में हुआ करते थे, वह अब एक गैंग बना ली और वह गैंग का संरक्षण करता है थानेदार। थानेदार कंप्लीट रूप से गैंगों के साथ मिली हुई थे, वो तय करता है मंथली। राम को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो गैंग है जो यहाँ पर धंधा कर रहा है वह थानेदार को हर साल हर महीना पैसे पहुँचा, वो चला गया, उसको रोका गया कि हम तुम्हारे थाने को पैसा पहुँचा। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि पूरी पुलिस महकमा लगभग संरक्षण शराब माफिया को पूरा, कुछ ईमानदार पुलिस वाले भी सारे 8% होंगे। मुझे नहीं लगता यदि ईमानदार पुलिस वाले होते तो उस शहर में उस जिले में शराब नहीं। सर, तो यदि ईमानदार कप्तान होते तो एक भी शराब नहीं। कोई ऐसा जिला बता दीजिए जहां करोड़ों अरबों की का इकोनॉमी का पैरेलल इकोनॉमी न चले। एक दूसरी चीज, यदि ऐसा होता ईमानदार होते तो बबुआ डॉन कमलेश प्रमोद टाइप के लोग जेल में रह के तैस तैस एसी लगा करके जीने का राइट नहीं होता, चार्जशीट होती, 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल होता और उसको फांसी की सजा होती। क्या कारण है कि सिर्फ दरोगा को सस्पेंड किया जाता है? 302 का मुकदमा शराब में, कल भी 2 लोग शराब में मुजफ्फरपुर में फिर डेथ कर, और फिर कल 1 लोगों की आंख की ऑपरेशन चली गई। तो यदि ईमानदार अफसर होते तो चार्जशीट होता 15 दिनों के अंदर, ईमानदार अफसर होते तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके आप 302 का मुकदमा लगता। इंडिया का सबसे बड़ा नेक्सस माफिया, आप उनको 2 बात बताइए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराब बंद भी रहेगा, कार्रवाई भी। मेरा नीतीश कुमार जी से शराब के सवाल पर 5 सवाल। पहला सवाल, 5 साल हो गए शराब बंद, कोई ऐसा थाना नहीं जहां पर करोड़ों का शराब न मिला, कभी 3 महीने के अंदर। पटना के दीदारगंज में 5 करोड़ की शराब, और जो गोदाम होता है वो किसी न किसी नेताओं के रिश्तेदार का होता है, किसी न किसी नेताओं के पदाधिकारी के रिलेशन का होता है, और आप उसके दरवान को जेल भेज करके खाना पूर्ति करते। दूसरा सवाल,